सिंध जी राजधानी कराची में एंटी करप्शन खाते पारा अवाम जो शिकायतों बुधण लाय हेल्पलाइन 1414 कायम कई वही। सिंध में पहरियों भेरो कराची के दक्षिण जिले में डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन की ऑफिस में कायम थियल शिकायती मर्कज जो इफ्तिताह सूबाई वजीर एंटी करप्शन जाम इकराम धारे जो चेयरमैन एंटी करप्शन वसीम अहमद कयो। उन मौके ते साफिन से गालंदे जाम इकराम धारे जो चवण हो तो कराची दक्षिण जिले में हेल्पलाइन 1414 जो मकसद अवाम जो शिकायतों सीधो सौ बुधण है। जल्द पूरे सूबे के समूरन जिलन में अड़ा शिकायती मर्कज कायम कया वा। एक बहुत ही अच्छा स्टेप है ये कंप्लेंट सेंटर, न सिर्फ डिस्ट्रिक्ट साउथ में, अभी तो हमने सिर्फ डिस्ट्रिक्ट साउथ में शुरू किया है, बल्कि आगे चल के हम पूरे सिंध में इंशाल्लाह इसको शुरू करेंगे। उन्होंने चयो त संदन मकसद सिंध जे समूरन खातन मां करप्शन जो खात्मो करण है। उन लाए पहरी एंटी करप्शन के साफ शफाफ बणायो वेंदो। उन्होंने चयो त खाते में सिंध हुकूमत की का भी मुदाखलत ना है, इदारे के सियासी मुखालिफन लाए इस्तेमाल थियण न डिबो। हमारी अवलीन तरजीह है कि सिंध से करप्शन का खात्मा करें। हमारी प्रायोरिटी यही है कि जो सिंध में करप्शन अगर कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में हो रही है, हमारी उस पर नज़र होगी और हम किसी को ये इजाज़त नहीं देंगे कि सिंध गवर्नमेंट में कोई ऑफिशियल करप्शन करे। उन्होंने चयो तो सिंध में मेगा करप्शन केसन के भी अंजाम ते पहुंचाया वेंदो। जाम इकराम धारे जो चयो तो नैब की कारकर्दगी मायूस कंदड़ है, नैब के सियासी मुखालिफन लाए इस्तेमाल कयो वने थो, पर पीपी अड़े अमल ते यकीन नथी रखे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विक्टिमाइजेशन पे यकीन नहीं रखती। आपने खुद देखा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ हमेशा विक्टिमाइजेशन होती रही है। देखें हमारे लीडरान, हमारे अपना वज़रा सब नैब को भुगत रहे हैं। हम हर जगह कोर्टों में पेश होते हैं, हर जगह पेश होते हैं। हम इस चीज में बिलीव नहीं करते कि किसी के खिलाफ भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो। उन्हें चाहे तो सिंध में का भी करप्शन कबूल न कई वी। उन मौके ते चेयरमैन एंटी करप्शन वसीम अहमद बिया अमलदार पिण मौजूद हुआ। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा रिंद सा गड हकीम सेठार, सिंध टीवी न्यूज़ कराची।